ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज 1 जून है और 1 जून को हमारे डीएवी संस्था का शुभारंभ हुआ था। बहुत ही आज पुण्य दिन है हमारे लिए। संपूर्ण भारतवर्ष में, भारतवर्ष के विदेश में भी जितने भी डीएवी संस्थाएं हैं, आज के दिन डीएवी संस्था का शुभारंभ हुआ था। महात्मा हंसराज जो एक पुण्य आत्मा थे, उनका हम बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने एक ऐसी श्रेष्ठ संस्था का उद्घाटन किया, उनको संस्था को शुरू किया, जिसमें आज हम इतनी अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे, साथ ही साथ हम आधुनिक तौर पर जो भाषा, आधुनिक तौर पर जो शिक्षा हो रही है, उसके साथ साथ भी हम उसमें जुड़े रहे। सभी यजमान जो छात्र छात्राएं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब स्वाहा को मैं बोलूंगा, आप सभी ने भी स्वाहा बोलना है। जितना फल मुख्य जनमान को मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको भी उतना ही फल मिलेगा। अथ सुकृत आहुति मंत्र ओम यदस्य कर्मणां अत्यधिकं यद्वा न्यूनमिह अग्निस्पृष्टं विद्यात सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्ने स्विष्टे सुहुतभूते सर्वप्रायश्च आहूतीनां कामानां समित्रे सर्वान्नः सामान समर्थय स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। विद्यालय की षठी अ की छात्रा अपूर्वा एक छोटा सा भाषण उन्होंने तैयार किया है डीएवी स्थापना दिवस के उपलक्ष पर। आप सभी बच्चे और अध्यापक इसको ध्यान से सुनेंगे। अपूर्वा जी, यस सर। बच्चे आप बोलेंगे। सुप्रभातम, मेरा आप सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम पूर्वा है, मैं 7वीं अ कक्षा की छात्रा हूँ। आज हम बड़े हर्षोल्लास के साथ डीएवी स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। निश्चय हो कि ये कभी ना भुलाए जाने वाला दिन है। ये एक ऐसा स्वर्णिम दिन है जिसने अपने अनुशासन और सिद्धांतों द्वारा भारत को एक धागे में पिरोए रखा है। आज के दिन लाहौर में डीएवी स्कूल की स्थापना हुई, जिसके मुख्य अध्यापक थे महात्मा हंसराज जी। महात्मा जी ने दयानंद जी के सिद्धांतों को साकार करने के लिए इन स्कूलों की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत में लगभग 1000 डीएवी स्कूल कॉलेज है। केवल डीएवी स्कूल ही है जो भारत में वैदिक धर्म का अलख जगाते जा रहा है और संपूर्ण भारत को दोबारा विश्व गुरु बनाने के ओर अग्रसर है। मैं अधिक न कहते हुए बस यही कामना करती हूँ कि हमारा डीएवी परिवार ऐसे ही कार्य करता रहे और हर समस्या का एकजुट होकर सामना करता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य समाज। आचार्य, आपके समक्ष डीएवी स्थापना दिवस के उपलक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, आप सभी प्रधानाचार्य जी के वचनों को ध्यान से सुनेंगे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ डीएवी ऑर्गेनाइजेशन, अ डे व्हेन वी रिमेंबर द फाउंडर्स ऑफ द डीएवी ऑर्गेनाइजेशन एंड वैल्यू देयर लीगेसी ऑफ 135 इयर्स ओल्ड। We are indebted to all the founders who had the vision that led to the creation of the DAV organization back in 1886 and who have contributed to the leadership
and vision of the DAV organization since. None of the education for which the DAV schools have become famous would happen without the foresight of the original founders. We owe them as a debt of gratitude. Without them, this huge organization wouldn't have existed. And this is why we honor them on the Founders Day every year. Moreover, it is also an opportunity to feel the privilege to be the part of this great organization. Founders Day is extremely important for all the schools, as it is an important occasion for all of us to be together online in this pandemic time and do the Havan Yajna together for the well-being of everyone around us, and also to remember that we are a part of strong and important organization, as the whole is stronger than some of its parts. Through this Havan Yajna, let us take a pledge that we make a commitment to do right things, to be honorable, to carry out the intentions of our founders by responding to their goals of real education and by stretching of the individual and for learning and preparation for the successful life. We say all this together because it is important to say this together. This gesture also reminds us that we do not work or live in isolation. We do it together as an organization. A great DAV organization which had a great history, where the whole purpose of education is to turn mirrors into windows. With this, thank you everyone for your active participation. Namaste, namaste to all.